चर्चा तो हो सकती है, अभी पार्लियामेंट में बिल नहीं आया, कमी कमेटी बनी, चर्चा तो हो सकती है ना, और चर्चा होगी तो केवल चर्चा से पास भी नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, उसके लिए 2/3 का बहुमत चाहिए, तो क्या इसके लिए चर्चा भी ना की जाए। और जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय यही तो था, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात पार्लियामेंट में रखिए। ओवैसी का बयान है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, या भारत के संविधान के खिलाफ है। चर्चा तो हो सकती है, चर्चा तो हो सकती है, अभी पार्लियामेंट में बिल नहीं आया, कमी कमेटी बनी, चर्चा तो हो सकती है ना, और चर्चा होगी तो केवल चर्चा से पास भी नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, उसके लिए 2/3 का बहुमत चाहिए, तो क्या इसके लिए चर्चा भी ना की जाए। और जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय यही तो था, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात पार्लियामेंट में रखिए, और ऐसे भी ये पास नहीं होने जा रहा है, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए, तो क्या चर्चा भी नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक चुनाव एक देश पर ट्वीट किया है, कहा सबसे पहले यूपी में लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए, सबसे बड़ा काम का प्रयोग यूपी से भाजपा कर रही है। देखिए, इस कानून को बनाने के लिए 15 राज्यों की सहमति चाहिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, और 2/3 का बहुमत। तो अभी एक कमेटी बनी है, कमेटी में चर्चा होगी, कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर पार्लियामेंट के सामने रखेगी, अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। इनको इतनी क्या परेशानी है चर्चा से, इसमें क्या परेशानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे कितने एमपी हैं उनके, हमारे गठबंधन के साथ 140 करोड़ लोग हैं, इस बार इनकी तानाशाही का 24 में जवाब दिया जाएगा। 140 में हमको निकाल दीजिए, एक कम कर दीजिए, 140 में हमको कम कर दीजिए, 5-7 आदमी आंकड़े कम कर दीजिए, 140 करोड़। कल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह प्रण लिया है कि वो एनडीए को हरा के रहेंगे। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि जो दल, जो गठबंधन अपना संयोजक नहीं तय करता, इस प्रश्न पूछने पर तुरंत भाग जाते हैं, उनका नेता कौन होगा, उनकी नीति क्या है, उनका एजेंडा क्या है, इस प्रश्न में भाग जाते हैं। और इसके ओवैसी का बयान है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, या भारत के संविधान के खिलाफ है। चर्चा तो हो सकती है, चर्चा तो हो सकती है, अभी पार्लियामेंट में बिल नहीं आया, कमी कमेटी बनी, चर्चा तो हो सकती है ना, और चर्चा होगी तो केवल चर्चा से पास भी नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, उसके लिए 2/3 का बहुमत चाहिए, तो क्या इसके लिए चर्चा भी ना की जाए। और जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय यही तो था, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात पार्लियामेंट में रखिए, और ऐसे भी ये पास नहीं होने जा रहा है, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए, तो क्या चर्चा भी नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक चुनाव एक देश पर ट्वीट किया है, कहा सबसे पहले यूपी में लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए, सबसे बड़ा काम का प्रयोग यूपी से भाजपा कर रही है। देखिए, इस कानून को बनाने के लिए 15 राज्यों की सहमति चाहिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, और 2/3 का बहुमत। तो अभी एक कमेटी बनी है, कमेटी में चर्चा होगी, कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर पार्लियामेंट के सामने रखेगी, अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। इनको इतनी क्या परेशानी है चर्चा से, इसमें क्या परेशानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे कितने एमपी हैं उनके, हमारे गठबंधन के साथ 140 करोड़ लोग हैं, इस बार इनकी तानाशाही का 24 में जवाब दिया जाएगा। 140 में हमको निकाल दीजिए, एक कम कर दीजिए, 140 में हमको कम कर दीजिए, 5-7 आदमी आंकड़े कम कर दीजिए, 140 करोड़। कल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह प्रण लिया है कि वो एनडीए को हरा के रहेंगे। देखिए,
मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि जो दल, जो गठबंधन अपना संयोजक नहीं तय करता, इस प्रश्न पूछने पर तुरंत भाग जाते हैं, उनका नेता कौन होगा, उनकी नीति क्या है, उनका एजेंडा क्या है, इस प्रश्न में भाग जाते हैं। और इसके